नमस्कार। प्रतिमास किचन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी है, इसीलिए मैं हलवा बनाऊंगी, बेसन का हलवा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को एंजॉय कीजिए और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप लिया है, इसमें मैं 2 कप बेसन डाल रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म थोड़ा हो गया है और अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी इसमें मैं 1 कप ले रही हूँ, ज़रूरत के अनुसार मैं डालूँगी। इसमें आधा कप दे दिया है और आधा कप रखा है मैंने, अगर ज़रूरत होगा तो मैं दूँगी उसमें। और अब मैं इसमें 2 चम्मच सूजी डालूँगी, बारीक वाला सूजी। ये देखिए, बस 2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको हमें लो फ्लेम में ही पकाना है, नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा। ज़्यादा फ्लेम होने से बेसन नीचे से जल जाता है। और अब मैं इसमें थोड़ा और घी डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, जब भी आप घी का इस्तेमाल करते हो तो एक साथ ही मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो आपको कंसिस्टेंसी मालूम पड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि घी ज़्यादा होने से मन नहीं करता खाने को। ये देखिए, यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा बचा लिया है, अब हमें नहीं चाहिए घी। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो दूध है, दूध को मैं इसमें डाल लेती हूँ। दूध यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच। और इसको मैं अच्छे से, ये देखिए, दूध डालने से क्या होता है, ये जो बेसन है ना, वो और भी दानेदार बनता है और हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कभी भी बनाओगे तो इसी तरह ही बनाइए और देखना, ये इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है और किशमिश लिया है। इसको मैं इसमें डाल के एक साथ थोड़ा सा भून लूँगी इसमें। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने शुगर लिया है, शुगर भी मैंने 1 कप लिया था, उसमें से थोड़ा रख लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से बनाइए, थोड़ा कम या बेसी आप कर सकते हो उसको। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है, इसको डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास केसर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ना भी डालो तो भी बच्चों के लिए, बहुत सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये मैंने डाल दिया है कलर के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालोगे या नहीं डालोगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितना सुंदर बना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आप बेसन का हलवा बनाइए, खाइए। और फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को 2 से 3 मिनट वॉच कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। और मेरे सारे दोस्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।